हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम पाइप के अंदर वायरिंग डालते हैं, मतलब मोटी वायर डालते हैं, जैसा कि 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, जो भी आप पाइप के अंदर डालते हो, तो वहाँ पर अगर कहीं पे छोटा वायर पड़ जाता है, हो जाता है, तो यहाँ पर हमें जॉइंट करना पड़ता है। और जॉइंट करने के बाद हम जब इसे पाइप में डालते हैं तो पाइप के अंदर काफ़ी जाम हो जाता है। और ज़्यादा जाम होने की वजह से क्या होता है कि ये हम खींचते समय वायरिंग पाइप में से निकल जाती है, फिर आधी उस साइड पाइप से बाहर निकल जाता है तार और एक पाइप के अंदर ही रह जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अच्छे से एक वायरिंग जॉइंट सीखेंगे, जिसके अंदर आप कितना भी ज़ोर लगा के खींच लो, तब भी ये पाइप के अंदर ही रहेगा और अच्छे से बाहर खींचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और किस तरह से इसे जॉइंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जॉइंट पर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई रखी थी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्यार मिला है आप सभी लोगों का। तो उसके अंदर मैंने प्रॉपरली बगैर बिना शोल्डरिंग आयरन के मैंने जॉइंट करके दिखाया था, उसे भी आप पाइप में खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि आप हद से भी ज़्यादा और ज़्यादा खींचना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइट को भी ऊपर खींचना चाहते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। तो हम इसे अच्छे से जॉइंट करना सीखेंगे। हम इस वायर को आधा आधा इंच को छील लेंगे और इसे हल्का हल्का बिखेर देंगे, गोल गोल बिखेर देंगे थोड़ा सा। इन दोनों वायरों को इस तरह से हम बिखेर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर फ्रंट से देख सकते हो, इस तरह से आपको वायरिंग को बिखेर लेना है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर अच्छे तरीके से जालियाँ बना करके बिल्कुल शानदार तरीके से हर वायर हर जाली के अंदर फिट होना चाहिए। कुछ इस तरह से आप सेटिंग कीजिए और इसका एक दो वायर पकड़ के आप इसको इस तरह से घुमा दीजिए। घुमाने से क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर जाम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जाम होने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से पहले यहाँ पर आप हाथों से इस तरह से घुमा लीजिए और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लगाइए शोल्डरिंग आयरन, शोल्डरिंग वायर है ये, इसको थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इसे अच्छे से इसके ऊपर लपेट दीजिए, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर के सामने यहाँ पर लपेट रहा हूँ गोल गोल, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको आयरन को लपेट लीजिए, शोल्डरिंग को, शोल्डरिंग वायर को, और आप प्लास की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि थोड़ा टाइट हो जाए और थोड़ा चिपक जाए इसके वायर के अंदर, ताकि हम शोल्डरिंग आयरन करें तो अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से दबा दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर मज़बूत भी हो चुका है। अब हम करेंगे शोल्डरिंग आयरन। मेरे पास छोटा वाला यहाँ पर आयरन है, आप इसके ऊपर बड़ा वाला यूज़ लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा वाला थोड़ा सा कम गर्म होता है और वायर के अंदर अच्छा नहीं चिपता है। लेकिन आपके हिसाब को मैं आपके सामने अच्छे तरीके से इसे सेट करके दिखाता हूँ, तो आप अपने आँखों से देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर सेटिंग हो रही है। इससे क्या करना है, पहले पूरा कॉपर वायर को गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छे से इस आयरन को लगा करके थोड़ी देर ठहरा दीजिए और यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से कॉपर गर्म हो जाएगा। मेरे हाथ भी काफ़ी गर्म हो चुके हैं। यहाँ पर पूरे वायर को आपको पिघला देना है सबसे पहले इस तरह से। ये काफ़ी छोटा आयरन है इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बड़ा वाला आयरन आता है एक, वो लेके आना है। इससे क्या है कि 10, 16, 18 mm जो भी है, 25 mm के वायरिंग को आप बड़ी ही आसानी से जोड़ सकते हो। आपको और आयरन लगानी होगी जिससे कि आप अच्छे तरीके से और अंदर तक, मतलब ये अंदर तक गर्म होना चाहिए बहुत अच्छे से। इस तरह से आपको छोड़ देना है इसके अंदर, ताकि ये अंदर तक घुस जाए आयरन, आयरन का ये जो वायर है पूरे कॉपर के अंदर तक घुस जाना चाहिए, ताकि और ज़्यादा मज़बूती हो इस वायर की। पूरे कॉपर वायर को इस तरह से कवर कर देना है आप लोगों को, और यहाँ पर ब्लैक टेप अच्छे से यहाँ पर सेट कर देनी है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर मोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो कॉपर वायर है
ये मुड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं मुड़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर तक मैंने कॉपर वायर लगा दिया है, मतलब ये जो शोल्डर वायर है आयरन, ये मैंने अच्छे से इसको पिला दिया है गर्म करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैं इसका एक टेस्ट ले लेता हूँ, इसे तोड़ के देखता हूँ कितना। ओ नो दोस्तों, ये देखिए इसका कवर ही बाहर निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखिए दोस्तों कितना मजबूत वायर हो चुका है, यहाँ से आप अच्छे से खुद अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़बूत यहाँ पर ये वायर हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसे इस तरह से एक बार काट के देखता हूँ, तो ये कट भी नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से मज़बूत हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कट लग चुका है लेकिन टूटा नहीं है वायर, तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत आप इससे वायरिंग शॉर्ट जॉइंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, इस तरह से आप जॉइंट कर सकते हैं और इसे पाइप के अंदर बड़े ही आराम से ऊपर खींचा जा सकता है। तो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे।